Good morning, friends. Once again, we are from sharestradingschool.com, and I welcome you for Nifty analysis on 10th February 2016. कल के हमारे रिपोर्ट में जो हमने लेवल्स दी थी, उस लेवल पे अगर बात करें तो 7,270 की जो लेवल दी थी कल मार्केट ने, उस लेवल को फर्स्ट आर ने ही अचीव किया था और वहां से ये उधर ही कंसोलिडेट हुआ। ये गैप डाउन ओपन थी कल की, गैप वहीं के वहीं खुली है। सो ये गैप भरने के चांसेस फिलहाल ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज मार्केट 7,250 के आसपास, रादर 7,250 के इस ब्लैक लाइन के आसपास ये खुलेगा। यहाँ से ये पुल बैक हो सकता है 7,270 के तरफ और वहां पे रेजिस्टेंस ले और वहां से ये नीचे आए। एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड डाउन है, इसकी वजह से कल का ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। और यहां से ये नीचे जब जाए 7,240 के नीचे, 7,240 के नीचे मार्केट जाए तो हमारे लिए अगला टारगेट रहेगा 7,190 का। 7,119 ये हमारे लिए टारगेट होगा इफ निफ्टी क्रॉसेस 7,240। टू जस्टिफाई दिस आई विल जस्ट शो यू अ वीकली चार्ट। इफ यू सी इन अ वीकली चार्ट व्हिच वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर लास्ट सो मेनी डेज, देन वी हैव सीन स्पॉटेड दिस चैनल एंड दिस चैनल फॉर्मेशन इज आल्सो सजेस्टिंग दैट वंस दिस लेवल 7,240 व्हिच इज हियर, 7,238, वंस इट ब्रीचेस then 7,119, this is a 50% retracement of Fibonacci level, वहां पे हम लोग इसका सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वहीं पे आपको ये चैनल का लोअर लाइन दिख रहा है। सो एक्सपेक्टेशन है कि 7,190 के आसपास हम लोग सपोर्ट ले लें। एक्चुअली जब इस चार्ट को देख रहे हैं तो एक छोटा सा चीज आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि इन आर प्रीवियस एनालिसिस, इन निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस ऑन 11th January 2016 को मैंने एक टारगेट दिया था। मैं टारगेट फॉर निफ्टी इज अराउंड 7050। आई एम बुलिश ऑन लॉन्ग टर्म बट बेरिश ऑन शॉर्ट टर्म, ये इस तरह का 11 जनवरी के रिपोर्ट में हमने प्रिडिक्ट किया था कि निफ्टी 7,050 तक आ सकता है। सो ये लेवल जो हमने प्रिडिक्ट करी थी, इस लेवल को प्रिडिक्ट करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करे थे वो ये लाइन थी और इसी लाइन की वजह से 7,050 के आसपास का लेवल था। सो जो ऑलमोस्ट अभी बिकॉज ऑफ ट्रेंड अभी थोड़ा सा चेंज होके 7,119-7,100 के आसपास आ रहा है। सो यहाँ का 11 जन का प्रिडिक्शन अब हमें कंप्लीट अचीव होते हुए दिख रहा है। सो 7,119 के टारगेट के लिए हम लोग अभी काम करेंगे। 7,240 के नीचे निफ्टी को क्रॉस होने देंगे। ये डाउन ट्रेंड का बेनिफिट अगर हमें उठाना है तो याद रखना होगा कि 20 के मूविंग एवरेज को आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। सो सिस्टम ये रहेगा कि आप आर्ली चार्ट में इसको कन्वर्ट करके आर्ली चार्ट में देख ले और 20 के मूविंग एवरेज कहाँ पे प्लेस्ड होता है तो वहां पे आपको ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। मार्केट अगर पुलबैक होता है, ऊपर की तरफ आता है फॉर एनी रीजन टू फिल अप दिस गैप, सो ये 20 का एवरेज भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। सो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा और ये ट्रेलिंग के लिए सिंपल रूल रखा जाएगा, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आर्ली चार्ट में अगर निफ्टी क्लोज होता है तो हम लोग हमारा पोजिशन स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन का टारगेट हमारा फिक्स है 7,119। इस लेवल के लिए हम लोग अभी निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।